NRACT 2023 में नहीं आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। 2 से 3 दिन का पहले का वीडियो जो टेंडर नोटिस निकला था आप देख सकती हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2024 के लास्ट से आपका NRACT जो होगा अप्लीकेबल होगा। पूरी डिटेल मैंने वीडियो आपको ऊपर बनाई हुई थी, और जो भी मैं अपडेट देता हूँ कोई भी गलत आपकी नहीं होती। मैं आपको दिखा देता हूँ जो वीडियो मैंने आपको डाली हुई थी, मैं सारी चीज़ ये आपका एग्जाम कैलेंडर की वीडियो आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो 10K आपका व्यूज थे, और इसमें पूरा मैंने आपको बताया था कि दिसंबर लास्ट में आएगा। और अभी मैं आपको NRACET का मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था कि NRACET जो है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं वो करते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं, ये है वो, लेकिन फिर भी ये आपका जो वीडियो है, एक सेकंड, हाँ ये देखो, ये आपका जो वीडियो मैंने आपको बताया बनाया था, ये अभी लेटेस्ट का ही वीडियो है, ये 27 दिसंबर का आपका ये वीडियो है, और वो वाला आपका कैलेंडर का आपका जो वीडियो है वो आपका है 15 दिसंबर का। अब इसमें स्टूडेंट कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल दिखाने लगते हो, तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट कहता हूँ, कुछ चीज़ें गलत भी होती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सही होती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। आप 50 रील की वीडियो देख डालोगे, उसमें आपको लगेगा अरे यार टाइम मेरा वो अच्छा रहा, ये रहा वो रहा, उसमें नहीं कहोगे, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें रहेंगी तो आप लोग कहते हो अरे मेरा टाइम बर्बाद हो गया। अरे भैया पढ़ लो, कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ तो कर लो यार। अभी NRACET 2023 में नहीं हुआ है, 2024 में होगा, तो 2024 में आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर 2023 में नहीं निकाल पाते हो तो 2023 का कम से कम अभी अप्रैल से अगर आप देखोगे तो 4 महीने अभी आपके पास है। 1 जनवरी को आप छोड़ दो, 1-2 जनवरी को, 4 महीने आपके पास हैं आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट होने के। पहले आपका CGL का आएगा, जिसकी एग्जाम डेट, मतलब आपकी CGL की एग्जाम डेट आपकी मई जून है, तो आप ये मान लो कि जून में आपका एग्जाम है, 6 महीने मेरे को पहले से आपका प्रीलिम्स के लिए टाइम मिल रहा है। सोचो यार इस बात को यार कि 6 महीने का आपको टाइम मिल रहा है। स्टेनो के लिए देखा जाए 11 महीने का आपके पास टाइम है, स्टेनो का नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में और एग्जाम आपका नवंबर में। अरे आप खुद सोचो यार, MTS CHSL इतना लंबा टाइम आपके पास दिया हुआ है, और कन्फर्म है आपको कि यार इस बार NRACET नहीं होगा, कैलेंडर भी आउट हो गया, सब आउट हो गया। अब यार नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या कर सकते हो, क्योंकि 2024 के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना 2024 के स्टार्टिंग मार्च में आपके इलेक्शन है, उसके बाद आप ये देख लो कि पूरा वो मई तक पूरा जाएगा उनका रिजल्ट वगैरह, और आप 2024 के लास्ट तक NRACET जो है वो एप्लीकेबल होगा, सारे नोटिफिकेशन हर एक चीज आपका पूरा आपका उसके थ्रू होने लगेगा। तो 2023 का लास्ट आपका है, अगर आप चाहो तो ओपन ऐसे देना चाहो तो, वरना 2024 का नहीं निकल पाओगे, 2024 में तो आपका NRACET देना ही पड़ेगा, जो फिर आपके लिए कहने के टफ हो जाएगा। तो भैया अभी भी मौका है, रिक्वेस्ट है, पढ़ लो दादा दद्दा जो भी, लेकिन कुछ भी करके कम से कम एक नौकरी पा लो, चाहे वो 1800 1900 2400 2800 4400 ग्रेड पे की कोई भी नौकरी, मिनिमम एक नौकरी पा लो, अपने घर की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही कर लो, कुछ भी करके यार पढ़ लो, और दोबारा इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। मैं बता चुका हूँ 2023 का जो मौका है ना, 22 और 23 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 22 में आपको इतना वो नहीं मिल पाया क्योंकि एकदम से वैकेंसी बता चली, लेकिन 23 में मौका है। अब 23 वाला अगर आपने छोड़ दिया ना, तो आप समझ लो कि फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये।